हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो आप सब बढ़िया ही होंगे, बढ़िया होंगे। और सबको वेरी गुड मॉर्निंग। और मेरी गुड मॉर्निंग आज मेरी 8:30 बजे हुई। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी से मंजन किया, ब्रश, उसके बाद तुरंत फिर नहाने चला गया। फिर नहा के फिर मैं आपके लिए ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो आज आपके लिए बढ़िया बढ़िया ब्लॉग शूट करूँगा और आपको भी दिखाऊँगा आज मैंने पूरा मेरा रूटीन क्या है, रूटीन वर्क आज मैं क्या। और आज फिर से मैं आप नाश्ते में आप मेरा फिर देखोगे, आज मैं नाश्ते में फिर स्प्राउट खा रहा हूँ। और स्प्राउट में चना, मूंग दाल, खीरा, प्याज, वही बाकी चीज़ें सब कुछ हैं, वही सेम सेम चीज़ें हैं। क्योंकि स्प्राउट खाने से आपके पास पेट की पाचन क्रिया सही हो जाती हैं। अगर पेट ऐसे आपका ख़राब होता है तो पेट आपको सही हो जाएगा। ख़राब जो ख़राब होता है, पेट में गुड़ 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 होने लगती है, गैस बनने लगती है, वो चीज़ें सही हो जाएंगी 1-2 हफ्ते में। तो आप भी सुबह सुबह ये खाइए स्प्राउट्स, तो आपके पेट पाचन शक्ति सही करेगी और आपको भी अंदर से ताकत ताकत देगी। तो आप भी सुबह स्प्राउट्स खाया करिए। मेरे गार्डन में ज़्यादा सब्जियाँ लगी हैं, आपने सब्जियाँ लगी देखी होंगी। तो जैसे मेरे यहाँ पर ये लौकी, इधर लौकी का पौधा लगा हुआ है, लौकी के पौधे लगे हुए हैं, यहाँ पे लौकी का पौधा लगा हुआ है, और यहाँ पे मैंने करेला का पौधा बोरी से ऊपर उगाया है। तो इसमें भी पौधा लगा दिया था क्योंकि प्लास्टिक बोरी अभी फेंकने से अच्छा काम आ जाती है, तो इसमें भी उगा दिया। और उसके और बाकी तरह यहाँ से फूल वूल के पौधे हमारे लगे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं फूल वूल के पौधे। और यहाँ यहाँ पे हमारे संतरे के पौधे लगा हुआ है, तो हमने इस पर लौकी का पौधा लगाया रखा है। अपने 3-4 लौकी के पौधे हैं। तो हमने क्या किया था, जब मिट्टी, जब पुराना लौकी ख़राब हो गया था पौधा, तो उसको हटा के मिट्टी, हल्की सी मिट्टी इसको गीली कर दी। उसके बाद पौधे का बीज छिड़क दिया और तो कण नहीं निकला, तब तक पानी नहीं डाला। तो आपको ऐसी हवा हर रोज मिलाई देगी, क्योंकि मेरे घर के पास एयरपोर्ट है तो वो हर बार ऐसे निकलेंगे। और तो ऐसे ही आपको इधर लौकी का, इधर भी मैंने लौकी लगा दी थी क्योंकि ये लगा लॉकडाउन के चक्कर में। उसके बाद लॉकडाउन जब खुल गया फिर से मैंने लौकी लगा ली, क्योंकि मुझे घर की लौकी का बहुत शौक हो गया, तो घर की ही लौकी मैं खा रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर करेला उगाया है, क्योंकि प्लास्टिक गमला मैं इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मुझे प्लास्टिक गमला, प्लास्टिक पैकेट जो होता है आटे वाला, ये सब लोग देखा हो फेंक देते हैं कचरे में, इधर उधर घूमता रहता उड़ता रहता है। तो हमने इसका यूज़ कर लिया, हमने गमला बना लिया, उसमें बहुत नीचे साइड से दो, एक साइड से दो छेद कर दिया, उस साइड से दो छेद किया, पानी निकलता रहे बस। तो इसका भी आप इस साइड का गमला बना सकते हैं। अगर ये वाला प्लास्टिक गमले कैसे बनाया जाता है और कैसे रिपलिंग की जाती है आपको ये देखना है, तो मेरे फ्लाइंग बर्ड्स ओमी चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अपने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। तो उसके बाद देख सकते हैं आपने, और ये फूलों के, मैंने फूलों के पौधे लगा रखे हैं। और यहाँ पे मेरा संतरा का पौधा लगा हुआ है, अभी अभी ऐसे कच्चा है, जब पक्का हो जाएगा तो आपको मैं दिखाऊंगा संतरा कितने इतना सुंदर लगता है। तो यहाँ पे मैंने बैंगन का पौधा लगाया है, और इधर लोबिया का मेरा पौधा लगा हुआ है, उधर भी लोबिया का पौधा लगा हुआ है। तो और मैं दिखाता हूँ कैक्टस पे एक बढ़िया सो फूल निकला है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं इतना सुंदर लग रहा है। तो आप ऐसे ही सुंदर सुंदर कैक्टस आप अभी अपने घर में भी लगा सकते हैं। तो मैं छत पर आया तो स्प्राउट सब रेडी थे, मम्मी और पापा ने रेडी कर दिए थे स्प्राउट। तो क्योंकि स्प्राउट मैं डेली खाता हूँ, हमारे घर में डेली बनता है। तो रात में हम लोग क्या करते हैं, चना और मूँग को भिगो कर रख देते हैं, फिर जब तक तो वो फूल सुबह तक वो फूल जाता है, फिर उसको हम स्प्राउट बना लेते हैं। तो जब बाकी जो बचता है स्प्राउट भिगा हुआ उसको अंदर रख देते हैं, उसको हर रोज़ सुबह सुबह यूज़ करते रहते हैं। तो आपको स्प्राउट पसंद सिखा देता हूँ, आपको कहेंगे ब्लॉग सब्सक्राइबर कहेंगे हर रोज़ आपको ये स्प्राउट सिखाता भैया। तो ये मेरा स्प्राउट्स है, तो और मैं आज तो बड़े आपको लग रहा होगा बड़े टिफिन में स्प्राउट्स करूँ, नहीं कि बड़े टिफिन में अभी भिगो के रखा था, तो स्प्राउट्स जितना ही थे तो बाकी सब लोगों ने खा लिया, तो मैंने इसी में दे दिया। तो मैं इससे स्प्राउट रोज़ खाता हूँ, आप भी खाइए। तो चलिए मैं स्प्राउट्स का मज़ा ले लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो आज मैं वैक्सीन लगवाने आया हूँ COVID-19 की, तो पीजीआई में स्लॉट नहीं मिला था, स्लॉट मिल गया है, तो अब वैक्सीन लगवाने आया हूँ क्योंकि 10 से 11 का स्लॉट मुझे मिला है बजे का। तो आ गया हूँ COVID-19 वैक्सीन लगवाने, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है SPPGI में, तो वहाँ पे आया हूँ वैक्सीन लगवाने। चलो वैक्सीन लगवाता हूँ, फिर आपसे मुलाकात करता हूँ। आधा घंटा जरूर बैठिए। मैं वैक्सीन लगवा के तो आ गया था, उसके बाद मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया क्योंकि तुरंत आया, फिर मैं खाना पीना खाया, उसके बाद मैं सो गया क्योंकि मुझे थकान नहीं लग रही थी,
ओके मुझे नींद आ रही थी अलग से, तो मैं सो गया। तो उसके बाद मैं उठा उठा अभी ब्लॉग, चलो ब्लॉग शूट करता हूँ। तो ऐसे ब्लॉग शूट करने चला, पापा बोले सब्जी ले आओ, सब्जी धुल दो, फिर आके अपना काम करो। तो मैं ठीक है, तो गया अभी सब्जी धुल के आया। तो उसके बाद अचानक से हाथ पे दर्द हो रहा था, तो क्या वो दर्द, मम्मी से पूछा मैंने, मम्मी ये दर्द हो रहा है यहाँ पे? तो मम्मी कही वैक्सीन लगी है और जो वहाँ पे 3 दिन, 3 दिन या कुछ दिन दर्द करेगा, बाकी वो फिर सही हो जाएगा। जैसे आपने टिटनेस लगता है तो दिन दर्द करता है, उसके बाद सही हो जाता है, वैसे ही दर्द करता है। जैसे अभी मैं यहाँ उठा रहा हूँ ऐसे, तो हल्का हल्का ये दर्द कर रहा है। तो क्या है, 3 दिन टाइम लगे, जितना दिन वो ठीक हो जाएगा। तो अब तो मेरी तीजो डोज, सेकेंड डोज लगनी है। अब तो मुझे काफ़ी, 3 महीने हैं, तो 3 महीने बाद काफ़ी महीने, अभी टाइम लगेगा और महीने लगेंगे, 3 महीने। तो आराम से जब ये इसका पता चल जाएगा मुझे बुखार आता है या नहीं आता है। तो वैसे अभी जब तक तो मैं आया हूँ, ओके आके टेम्परेचर अपना नाप रहा हूँ कि फीवर आता तो मैं दवा ले सकूँ। तो बीच में सुबह अभी आया तब नापा, उसके बाद सो के उठा फिर नापा, अब मैं सोने टाइम पे फिर नाप के फिर सोऊंगा। अगर बुखार आया तो दवा ले लूँगा, टेम्परेचर अगर ज़्यादा हुआ या कुछ हल्का फुल्का बढ़ा तो बुखार मतलब पता चला तो मैं दवा लेके आराम से सो जाऊंगा। फिर अगर बुखार नहीं रहेगा तो आराम से सो के सुबह उठ के फिर आपके लिए ब्लॉग शूट करूंगा, तो आराम से आपके लिए बढ़िया बढ़िया ब्लॉग लेके आऊंगा। चलो वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट करके जरूर बताएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। आपको राइट साइड में नीचे साइड आपको सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा रेड कलर का, उसके बगल में बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, आपको नए नए वीडियो के अपडेट मिलते रहेंगे। ऐसे ही मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग ब्लॉग लाता रहूंगा। ये बाय बाय।